फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको थंबनेल से मालूम हो ही गया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूं चंडीगढ़ के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस सुखना लेक की। यह चंडीगढ़ का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यह टूरिस्ट प्लेस केवल भारतीयों नहीं बल्कि विदेशियों के लिए भी एक आकर्षक टूरिस्ट प्लेस है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यहां पे कैसे पहुंच सकते हैं, जहां का एंट्री रेट क्या होगा, यह स्थान घूमने के लिए आपको कितना समय चाहिए। सो पूरी वीडियो अंत तक देखें। मैं हूं आपका दोस्त रंजीत चौहान। आप मुझे इंस्टा तथा फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अफोर्डेबल टूर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुखना लेक सेक्टर 1 चंडीगढ़ में पड़ती है, जहां आप लोकल बस से आसानी से पहुंच सकते हैं, जो कि सेक्टर 17 से 25 रुपए के करीब लेगी। जहां आप कार से आसानी से पहुंच सकते हैं, जहां पर पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर एक चंडीगढ़ में नई चीज़ चली है स्मार्ट बाइक, उसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, वहां उससे भी पहुंच सकते हैं। स्मार्ट बाइक का स्टैंड सुखना लेक पर है। यदि इसकी दूरी की बात करें तो यह सेक्टर 17 बस स्टैंड से लगभग 5 किलोमीटर दूर है तथा सेक्टर 43 बस स्टैंड से 8 किलोमीटर दूर है। यह एक मानव निर्मित झील है, जिसका निर्माण ली कार्बूज, जो कि स्विस आर्किटेक्चर ने 1958 में करवाया था। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाला बारिश का पानी के लिए बांध बनाया हुआ है, जो कि सुखना लेक में इकट्ठा होता रहता है। बारिश के पानी के साथ बहुत सारी गार भी इकट्ठी हो जाती है। यह लगभग 3 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई झील है, जिसकी डूंगाई 2 मीटर से लेकर 5 मीटर के करीब है। सुखना झील में पहुंचने के लिए आपको कोई भी एंट्री फीस नहीं देनी पड़ती। जहां पर काफ़ी गेम्स वगैरह है, उसकी आपको फीस देनी पड़ेगी। जैसे आप बोटिंग करते हैं तो उसकी फीस देनी पड़ेगी। तो यदि आप गाड़ी से आते हैं तो आपको 50 रुपये देने होंगे। इसके अलावा यदि आप अपनी बस से आते हैं तो बस की पार्किंग के लिए 200 रुपये है। सुखना लेक के खुलने का समय सुबह 9:30 से लेकर 6 बजे तक है। तो अब बात करते हैं जहाँ पे होने वाली बोटिंग की, जिसके अलग अलग चार्जेज हैं। यदि आप 2 सीटर बोटिंग लेते हैं तो आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। इसके अलावा 250 रुपये सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ये 30 मिनट के लिए वैलिड है। तथा 4 सीटर बोटिंग 500 रुपये देने पड़ेंगे और ये भी 30 मिनट के लिए वैलिड है। इसके अलावा जहाँ पे शिकारा तथा क्रूज भी चलता है, शिकारा जो जैसे कश्मीर में चलता है वैसा है, तो इसके लिए आपको 450 रुपये पर पर्सन के हिसाब से देना होगा। तथा क्रूज के लिए आपको 350 रुपये 30 मिनट के पर पर्सन के हिसाब से देना। तो जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। तो जहाँ आने का बेस्ट सीजन है अक्टूबर से लेके मार्च तक, क्योंकि चंडीगढ़ में काफ़ी गर्मी पड़ती है। तो जहाँ पे आप सर्दी के समय में आएंगे तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारा झील का एरिया ओपन एरिया में है, तो आपको चलने में आसानी रहेगी अगर सर्दी में आएंगे। यदि आप गर्मी में भी आते हैं तो शाम के समय झील पर आएं, तो लगभग 5 बजे के बाद ही आएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इस यहाँ पे फुल फैमिली एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेंटिंग भी होती है, आपको बिल्कुल सामने बैठाकर आपकी पेंटिंग 10-15 मिनट में बना देंगे, तो आपसे लगभग 300 रुपये के करीब ये चार्जेज करते हैं। तो जहाँ पे ना लगभग 3 किलोमीटर जहाँ पे ट्रैक है, यदि आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो यहाँ पे आप ना ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे साइकिलिंग भी कर सकते हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो फ्रेंड, ये थी जानकारी सुखना लेक के बारे में। यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें, तथा आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल बटन ऑल पर दबाएँ। यदि मेरी वीडियो देखकर आपने यहाँ पे विजिट किया है तो आपका अनुभव कैसा रहा, यहाँ वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। सो धन्यवाद।